कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। मैं भी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? बहुत ही बढ़िया सा डेजर्ट बना रही हूँ। अरेबियन डेजर्ट है जिसका नाम है उम अली। बहुत ही मजेदार बनता है और झटपट घर पे आपके पास जो मसाले कह रही हूँ, जो भी हाजिर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उन सारी चीजों से बन जाएंगे आपके। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, यह है 8 ब्रेड जिसके मैंने कट्ठे निकाल लिए हैं। एक फ्राई पैन के अंदर अच्छा खासा घी डालिए, असली घी रहना चाहिए, और उसके अंदर ये डाल दीजिए ब्रेडों को, और इसे उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक निकाल लीजिए। डार्क मत कीजिएगा ज्यादा, हाँ मजा नहीं आएगा खाने में। और लाइट गोल्डन ब्राउन होए दोनों ओर से तो निकाल लीजिए और बैचेस में फ्राई कीजिएगा, और फास्ट आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब सारे बैचेस में फ्राई हो जाए तो साइड पर रख दीजिए इन्हें। एक पतीली के अंदर आधा लीटर फुल फैट दूध डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और एक पूरे तरीके से उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच, और इसमें यहाँ पर मैं 60 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ, 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा है, और ये है मावा, खोया जिसे कहते हैं, तकरीबन 100 ग्राम्स है। आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं, मैंने तो रफली हाथों की मदद से पीस कर लिए थे। चलिए, अब इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, और बार बार चलाते हुए इसे पकाएं। तब तक पकाएं जब तक शक्कर पूरी तरीके से गल नहीं जाती, जो मावा है ये पूरी तरीके से खुल नहीं जाता। तकरीबन 3-4 मिनट तो लगेगी इन्हें, 3-4 मिनट में मावा भी घुल जाएगा और शक्कर भी घुल जाएगी मीडियम आंच पर। चलिए, 3-3.5 मिनट हो चुके हैं, दोनों चीजें बढ़िया सी घुल चुकी हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लोरी बना के रखी है, 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्नस्टार्च को 1/4 कप जितना दूध, एक्स्ट्रा दूध डालकर घोल बनाकर इसमें डाल दीजिए, और इसे बार बार चलाते रहे। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है, और इसमें मैं यहाँ कूटी हुई इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं, मैंने कूट कर डाला है। तकरीबन 1/8 टीस्पून से ज्यादा है और 1/4 टीस्पून से कम है। चूल्हा मैं मीडियम भी कर रही हूँ, कभी स्लो कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरी पतीली स्टील की है तो चिटकने का डर है। आपकी स्टील की ना हो तो आप मीडियम ही रखिएगा। तकरीबन 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक थिक नहीं हो जाता और कॉर्नफ्लावर पक नहीं जाता। जब सारी चीजें थिक हो जाए, कॉर्नफ्लावर पक जाए, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए, अब चाशनी बना लेते हैं। एक पतीली में 3/4 कप जितना शक्कर डालिए, वही इक्वल क्वांटिटी में पानी डाल दीजिए, तकरीबन 3/4 कप, और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और बार बार चलाते जाएं। और बस हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि एक तार या दो तार की चाशनी होनी चाहिए, बस ये जो शक्कर है ये घुल जानी चाहिए। आप देख सकते हैं शक्कर ऑलमोस्ट घुल चुकी है, हल्की ही बची। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस, थोड़े से जाफरान यानी कि सैफरन के धागे डाल देती हूँ। कलर इससे कुछ खास आ नहीं रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा केसरी कलर को पानी में मिलाकर इसमें घोल डाल देती हूँ। चूल्हा मीडियम पर है, 1/8 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। अब मैंने कूट कर डाला, आप चाहे तो पीसा हुआ भी डाल सकते हैं। चूल्हा मीडियम पर है, और तकरीबन इसे पकने दीजिए 2-3 मिनट। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए, अब हम असेंबल करते हैं। यहाँ मैं बेकिंग डिश ले रही हूँ, और 2 लेयर लगा दीजिए ब्रेडों की, ये जो फ्राई करे हुए ब्रेड की है अच्छे से। अच्छा, कोई भी स्पेस छूटना नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इसके लिए दूसरे वाला छोटा वाला इस्तेमाल किया है। तो अब मेरे पास ब्रेड फ्राई करी हुई बची नहीं है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि नीचे पूरी तरीके से ब्रेड लगा दीजिएगा, कोई स्पेस बचना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा खाने में। और ये जो हमने अभी गर्मा गर्म बना के रखी है चाशनी, ये सारी उंडेल दीजिए इसके अंदर, ब्रेड के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड आउट करके डालिएगा। अब इस सारे के ऊपर ये जो बुरादा आता है नारियल का, ये इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए ब्रेड के ऊपर। उसके बाद बादाम डाल दीजिए बारीक कटे हुए इनके ऊपर, और पिस्ते का मैंने पाउडर बनाया है, आप चाहें तो बारीक कटे हुए पिस्ते डाल सकते हैं। अब ये जो व्हाइट रबड़ी कहिए या पुडिंग कहिए जो हमने बनाई है, ये सारा इसके ऊपर डाल दीजिए ब्रेड के ऊपर, और चारों ओर फैला दीजिए, एक लेवल कर दीजिए। इसके ऊपर फिर से जो बुरादा है नारियल का बुरादा सूखा हुआ, वो पूरा डाल दीजिए, इस तरीके से स्प्रेड आउट कर दीजिए, और फिर इसके ऊपर डाल दीजिए बादाम से। अब मैं इसे अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे ही स्प्रिंकल कर सकते हैं, बादाम और पिस्ते से इसे डेकोरेट कर लीजिए।
मेरी जो डिश है बड़ी वाली वो छोटी पड़ गई तो मुझे दूसरी में डालना पड़ा जैसे आप देख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक ही बड़ी डिश लीजिएगा और पूरा नीचे दोनों लाइंस उसकी बिछा दीजिएगा और बाकी का ऊपर का जो भी हमारा व्हाइट वाला ये जो पुडिंग है वो उसके ऊपर सारा डाल दीजिएगा। जब आप सारा एक साथ डालते हो तो जो दोनों का टेस्ट एक साथ आएगा बहुत ही मजेदार आएगा। आप चाहें तो वार्म सर्व करें एज इट इज, या फिर आप चाहें तो ठंडा करने रख दें। मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा करने रख दें और उसके बाद मैंने सर्व किया, बहुत ही मजा आया खाने में, बहुत ही डिलीशियस लगा। रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।